18 रन बनाए कप्तान आप ऑस्ट्रेलियन में आते हुए पहरा नए बल्लेबाज बाजी कर रहे हैं रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे और घुमा दिया है निशांत मेहरा ने मिड विकेट की तरफ नो बॉल है एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन भाग के पूरा किया ऋषि के साथ स्कोर पहुंचा 62 ये थर्ड मैन की तरफ से टीम आरेखा के बाहर जाती हुई 4 रन बल्ले से 12वां ओवर प्रगति में इस ओवर के बाद 3 ओवर और रह जाएंगे जैसी बॉय के लिए नरेंद्र की ये गेम बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू में गेंद को रोका बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया स्ट्रेट ड्राइव फील्डर ने गेंद को रोका और इस बीच दूसरा रन भाग के पूरा करते हुए नहीं नहीं लेकिन अब उनको एक एक रन बढ़ाना पड़ेगा स्कोर का बढ़ता हुआ 68 देसी बॉयज का और घुमा दिया है गेंद को फील्डर से चूके 4 रन का इशारा दबाव बढ़ता हुआ किधर अपने ओवर की अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे फील्डिंग का मुआयना करते हुए और इस बीच दौड़ना शुरू किया यज्ञ दत्त ने उनकी ये गेंद घुमा दिया है कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को सीधे 4 रन के लिए और स्कोर इसी के साथ और 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे इस फील्ड के सजावट के साथ यज्ञ दत्त अपने ओवर की अगली गेंद घुमा दिया है सीधे 6 रन के लिए कोई मौका नहीं और ये मैच का पहला छक्का बेहतरीन छक्का 6 रन के लिए कोई मौका नहीं जैसे ही बल्ले से गेंद आई सीधे 6 रन का इशारा होता हुआ देसी बॉयज के खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होता हुआ और इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद और ऑन साइड में खेल लिया किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं गेंद चीरती हुई दो खिलाड़ियों के बीच से सीमा रेखा के बाहर बेहतरीन चौका और ये 26 रन देसी इसी के साथ स्कोर पहुंचा 92 रन 13 खिलाड़ियों के 13 ओवर की समाप्ति पे 5 खिलाड़ियों के आउट होने पे देसी बॉयज और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए दोनों फील्डर आपस में बहुत बढ़िया कैच किया बेहतरीन कैच और आशीष सोलंकी जो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे देसी और लेग बाई का इशारा होता हुआ एक रन बढ़ता हुआ स्कोर एक एक रन दे के लायंस के खिलाड़ी गति और दिशा से चूके फील्ड
चार खिलाड़ी ऑन साइड पे और ये गेंद, चूंकि विकेटकीपर ने बहुत ही सफाई, बोल्ड, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं राजकुमार और अपने स्पेल का ये नए बल्लेबाज मान ऑन साइड पे खेलने, बॉयज की सुबह में रनों की दरकार थी चूकते हुए और चार लगा और इस बीच दूसरा रन, तीसरा रन, सौ रन, पूरे 100 रन बनाए हैं और 101 रन और कैच किया रवि वर्मा ने बहुत ही बाउंड्री लाइन पे मुश्किल से 3-4 इंच अंदर, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की थी, मैं इनके बल्लेबाजी का बड़ा मुरीद हूँ। 98 रन बनाए थे, दुर्भाग्यवश ओवर समाप्त हो गया था, अदरवाइज ये सेंचुरी बनाते और बीच मैदान पे जाते और एक रन एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज मुकेश बिना अच्छे बल्लेबाज है। इस बीच आशीष सोलंकी फील्ड को सजाते हुए और कवच की छेद में घुमा दिया है सीधे और जतिन ने बहुत बढ़िया फील्डिंग, इस समय बहुत ही अनुभवी जोड़ी बीच मैदान पर, लॉयंस की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी आसिफ नरजिनरी के, खिलाड़ी ऑफ साइड पे और चार खिलाड़ी ऑन साइड पे। इस फील्ड की सजावट के साथ आसिफ नरजिनरी ने दौड़ना शुरू किया, उनकी ये गेंद और शॉर्ट पिच गेंद घुमा दिया है फील्डर आशीष सोलंकी ने, गेंद को सीमा रेखा से पहले रोकने का प्रयास किया और रोका, उसे एक में परिवर्तित किया क्योंकि अच्छा रविंदर गारिया थे फील्डर इस गेंद और रविंदर गारिया ने बहुत बढ़िया सफाई से गेंद को कैचर किया, रन लेने को काफी थोड़ा सा गलत फहमी हुई दोनों बल्लेबाजों में मंत्रणा करते हुए और बहुत बढ़िया बेहतरीन शॉट कवर्स के क्षेत्र में खेला और राठी ने एक ही स्टांस में गेंद को गैदर किया और सीधे विकेट कीपर और सुरक्षात्मक ढंग से जतिन ने खेला कवर्स के क्षेत्र में, रविंदर यादव ने गेंद को गैदर किया। इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने एक रन बनाया है, सुनील फुल टॉस गेंद और इस बीच एक रन भाग के पूरा किया रविंदर कुमार जो है राजेंद्र कुमार माफ कीजिएगा, हाथ में कुछ चोट की वजह से थ्रो प्रॉपर नहीं कर पाए थे और बहुत ही सूझबूझ से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर बढ़ाते हुए और मुस्तैद विकेट के पीछे और घुमा दिया है बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, 6 रन बहुत बेहतरीन आपती पे 15 रन और बहुत ही दोनों ही बल्लेबाज इत्मीनान। लोकसभा टीवी का धन्यवाद करूंगा जो मैच की लाइव कवरेज कर रहे हैं। राजेंद्र राठी के पास, रविंद्र राठी, आरएस राठी, सुनील बहुत ही सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। राठी अपने ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, कोई दबाव नहीं दिखाई दे रहा है,
दोनों ही बल्ले। राठी अपने ओवर की अगली गेंद घुमा दिया है सीधे। रविंदर बहुत ही बढ़िया मुस्तैद फील्डर और बहुत बढ़िया स्क्वायर कट किया है सीमा रेखा पे चूके आसमान और लगातार 25 रन। बहुत ही अच्छी सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों। निकली राठी को शायद स्लिक लगा हो लेकिन अपील कुछ नहीं। शॉर्ट पिच गेंद मारने के प्रयास में चुके वाइड का इशारा। और घुमा दिया है सीधे। दीपक सांगवान ने बहुत ही सफाई से गेंद को गदर किया। मात्र एक रन से संतोष करना पड़ा और संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज क्योंकि उन्हें और घुमा दिया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जतिन। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत प्यारा शॉट मारा 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 31 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर। बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के हर ओवर में लगभग एक या दो चौके लगाते हुए अनुभवी गेंदबाज तेजपाल देसी बॉयज की तरफ से और सर थोड़ा सा आप उधर जाइए थोड़ा सा दो चार गति और सेवली वेंट से राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज वाइड का इशारा देते हुए अंपायर से ऑन साइड पे खेलने का प्रयास और हुए तेजपाल गेंदों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। लग रहा है हवा का और ऑन साइड पे खेल के राजेंद्र कुमार तो लग रहा है फील्डिंग में और एक दहशत बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को पूरा दो वाइड इसलिए कोई जोखिम लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुनील स्कोर और ऑफ साइड में खेला। निशांत मेहरा ने गेंद को कलेक्ट किया बिना किसी अतिरिक्त दबाव बनाए हुए एक रन पूरा कर 34 रन और सुरक्षात्मक ढंग से और बहुत बढ़िया कवर्स के क्षेत्र में खेल के एक रन पूरा किया और एक एक रन करके अब खिलाड़ी मुकेश बिना खाता खोले आउट हुए थे और बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से पालने और कोई विकेट आउट नहीं हुआ। स्कोर अभी भी 35 रन और गेंदबाजी की जिम्मेदारी आशीष सोलंकी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके ओवर के बाद एंड चेंज हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है फील्डिंग में परिवर्तन में। मुद्रा बनाए हुए श्रीकांत स्टाइल में कंधे पे बल्ला लिए हुए हैं। किसी जमाने में श्रीकांत जी जब बल्लेबाजी करते थे बल्ला घुमाते थे और कंधे पे बल्ला रखे और उसके बाद जितनी भी कठिन गेंद होती थी उसमें चंगा छक्का मारते थे जो आसान गेंद होती थी उस पर आउट हो जाते थे उनकी ये खूबी थी। और इस बीच एक गेंद और घुमाने का प्रयास किया छिटकी गेंद लेकिन बैकअप कर रहे थे। जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या कभी धोखा से रन आउट कर लें तो ये ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। और इस बीच एक रन का ओवर द विकेट पहले रन से और फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर वाले प्रवीण बीच मैदान पे आते हुए स्वागत है प्रवीण जी। और फुटबॉल खेलने का प्रयास किया दीपक सांगवान ने 4 रन बेहतरीन चौका और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40
एक विकेट के नुकसान पे ये गेंद और घुमा दिया है, बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं दीपक सांगवान के लिए, चार रन। सुनील बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और स्टाइलिश बल्लेबाजी करते हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने चिंता की लकीरें दिखाई दे रही उनके माथे पे और फील्ड को सजाते हुए। इस बीच लायंस के खिलाड़ी ड्रिंक मैदान पे लेके पहुंचे हैं, दोनों खिलाड़ियों से सलाह मशविरा करते हुए और बहुत ही एक छक्का लगा हुआ है और कितना बढ़िया एक कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए जतिन, एक विकेट के नुकसान पे और वाइड का इशारा होता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए। और LSTV के हमारे कैमरामैन जो बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, तेजपाल अपने ओवर को बढ़ाते हुए और आशीष सोलंकी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, देखे रोक पाते हैं नहीं, दूसरा रन लेने का प्रयास किया और पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, बहुत बढ़िया फील्डिंग किया आशीष सोलंकी ने, कवर्स के क्षेत्र में बहुत बढ़िया शॉट मारा राठी ने फील्ड किया और दोनों ही बल्लेबाज एक मजे हुए खिलाड़ी हुए, वो अपना मैच जीता के लेके चले आते थे बहुत सारे मैच में। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाज हुआ करते थे डेविड बून और बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष शुक्ला जी पूछ रहे हैं इसमें हेंस कौन है और ग्रीन्स कौन है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हेंस की भूमिका में जतिन और ग्रीन्स की भूमिका में सुनील, दोनों ही स्थापित मतलब वर्ल्ड फेम के हुआ करते थे, अब ऐसी जोड़ियां दिखाई नहीं पड़ती वर्ल्ड क्रिकेट में, अस्थायी तो नहीं है उतना, जानना चाहूंगा शुक्ला जी। जी बताएं जी, मैच का अब तक प्रगति के बारे में अपने दो शब्द कहें। मैच की प्रगति शुरू के शुरू में एक दो ओवर देखा तो लगा था कि टेरेनिकॉस तो डिसिप्लिन भी शो कर रहे हैं, एक विकेट उनका शुरू में गिरा था वो भी बैड लक था बाउंड्री पे, अदरवाइज तो मैच अब थोड़ा सा काफ़ी हद तक उनको देख के अच्छा लगता है और उनकी जो उनका जो स्टाइल है इनकी बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ देख के लगता है कि ट्रू सेंस क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी आयु और उम्र के हिसाब से बॉलिंग बॉलर भी बहुत बढ़िया अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और बहुत इत्मीनान के साथ खेलते हुए एक रन पूरा किया हुआ, उत्साह की भी अब कमी दिख रही है देसी बॉयज के खिलाड़ियों में। इस बीच आशीष नजरी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद में वाइड का इशारा होता हुआ दिशा से बना रखा है लॉयंस ने और सुरक्षात्मक ढंग से खेला, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इस ओवर में चार रन आए हैं लायंस के लिए और अभी भी मैच के आठ ओवर 47 रन चाहिए आठ ओवर में। तो बड़ा डिफेंसिव खेल रहे और गेंदबाजी की जिम्मेदारी RS राठी के कंधों पे, थर्ड मैन पे आशीष सोलंकी, मिड ऑफ के क्षेत्र में आशीष नेहरा और घुमाने का प्रयास किया, एक आह सी निकली, शॉट भी। जब तक सारे खिलाड़ी अपील नहीं करते तब तक अंपायर के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या ख्याल है शुक्ला जी? नहीं अपील और अपील इसी के साथ महत्वपूर्ण विकेट आउट होता हुआ जितिन के रूप में बीट किया था
और इसी के साथ लायंस का दूसरा विकेट आउट होता हुआ जतिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी किए, तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं अभी अपने स्कोरर से कहूँ, अनुरोध करूँगा कि वो कितना रन बनाए जरा कैलकुलेट करके बताइए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, एक सुदृढ़ शुरुआत। राय साहब ये अगर एक कमर तक उठती हुई गेंद देंगे तो इनके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं कहीं कैच देंगे जरूर, थर्ड मैन फाइन लेग अपना कवर करके रखें बस। बिल्कुल, कंधे के उछाल तक गेंद को अगर टप्पा खिला के उछालने का प्रयास, आउट होने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। इस बीच राठी अपने ओवर को बढ़ाते हुए बहुत बढ़िया सुरक्षात्मक ढंग से खेला। कोई जल्दीबाजी नहीं है लायंस के खिलाड़ियों को, उन्हें मालूम है कि उन्हें बहुत बढ़िया घुमाया है। सीधे 6 रन, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। अंपायर के सिग्नल का इशारा करते हैं 6 रन और स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 60 पे पहुंचा। और इस बीच सुनील बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिनान के साथ कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। और तेजपाल अपने ओवर का आंख, स्पेल का आंख। तेजपाल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट पवेलियन एंड से और घुमाने के प्रयास में चूके वाइड का। बहुत ही बढ़िया कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को रोका फॉलो थ्रू में। तो देखिए बिल्कुल एवरी इंच वो लोग लाइक ए ट्रू क्रिकेटर प्रोफेशनल। तभी तो टेस्ट होगा ना, टप्पा नहीं टेस्ट के ऊपर गेंद जाए तब टेस्ट होगा इनका असली। और एक छोर बदला, स्कोर 62 पे पहुंचा। बहुत बढ़िया खेला और इस बीच हो गया 62 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तेजपाल मुस्कुराते हुए, सुनील और उनकी गुफ्तगु होते हुए, एक अच्छा माहौल क्रिकेट के परिचय देते हुए और बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से कवर के क्षेत्र में खेला और 1 रन पूरा किया। सुखलेश बहुत ही मुस्तैद विकेट कीपर और स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 63 पे पहुंचा। 2 विकेट, बहुत ही ग्लांस कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। निशांत मेहरा के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन 67 रन 67 for 2 लायंस। एक अपने ओवर की अगली गेंद और पैरों पे लग, पूरा आनंद देते हुए दर्शकों को और बहुत बढ़िया 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मुकेश और माफ कीजिएगा रोहित अच्छे बल्लेबाज कर रहे हैं, 1 छक्का लगा चुके हैं अब तक और सुरक्षात्मक ढंग से खेला, रन लेने का शॉर्ट सिंगल प्रयास किया और इस बीच 1 रन पूरा भी किया। चाहते तो दूसरा भी हो सकता था क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कोई फाइनल टीम की विजेता। और बेहतरीन सिक्सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 74 रन बना चुके हैं और टोटल स्कोर 74 पहुंचा, माफ कीजिएगा। और घुमा दिया है सीधे सीमा रेखा पे रविंद्र ने, बहुत बढ़िया कैच किया और ये लगता है कि हो सकता है ये महत्वपूर्ण सफलता हो, शायद निर्णायक न हो जाए क्योंकि सुनील बहुत ही मजी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। जतिन और सुनील ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की आज, ताली तो बहुत बड़ा योगदान होगा। और इस बीच तीसरा विकेट आउट में जो बॉल नहीं, मेरा तो मानना यह है कि कुछ जल्दीबाजी सुनील ने, अदरवाइज वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, सदी हुई, अतिरिक्त जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं थी उन्हें। बॉल जो डाली थी बॉल बहुत डिसेप्टिव थी उसकी। और राठी की अगेन और बहुत बढ़िया लेट कट मारा है, क्या शानदार शॉट मारा है और बहुत ही उमदा फील्डिंग किया। इस बीच दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन पूरा किया, तालियों से स्वागत करिए। ये जैसे चाह रहे हैं मैच को वैसा घुमा रहे हैं, क्या ख्याल है जैक जी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और बहुत बढ़िया गेंदबाजी जी बता रहे हैं, आशीष नेहरा की याद दिला रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से
गेंद को सम्मान देते हुए दीपक सांगवान घुमा दिया है सीधे, कोई मौका नहीं। बैट्समैन और अपील आह से निकल गई। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया छक्का मारा है, कोई मौका नहीं, सिर्फ दर्शक मात्र बन के रह गए बैठे हुए हैं लायंस के खिलाड़ी और घुमा दिया है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। क्या लवली शॉट मारा और मैच पे मारता हुआ। ये फाइनल मुकाबला जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे वैसे कि ये जो माहौल उत्सव जैसा माहौल था अब हमें फिर से नए सिरे से ऑफिस में जुटना पड़ेगा क्योंकि साथ कवर किया और ये घुमा दिया है सीधे 6 रन के लिए। कई मौका नहीं, स्टेडियम से बाहर जाती हुई लगातार छक्के से मैच को पकड़ बना रखी है और स्कोर बता रहा हूं मैं, बॉल चाहिए नई गेंद, एक गेंद कोई भी बॉल हो दे दो। बॉल जा रही है आशीष और फाइनल की शायद ये आखिरी गेंद और ये छक्का, बहुत ही बेहतरीन छक्का, गेंद भी ले आइएगा आप लोग। और इसी के साथ इस वर्ष का चैंपियन लायंस देसी बॉयज को हरा के चैंपियन बनी है और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण पल जरूर आप रिकॉर्ड करिए, सुबह से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ फाइनल का मुकाबला संपन्न होता हुआ और 26 रन का योगदान दिया और नरेंद्र जो कि अभी अभी आए थे 13 रन। स्कोर कार्ड में आपको बता दूं, मुकेश बिना खाता खोले आउट हुए थे, जतिन ने 21 रन बनाए, सुनील ने 36 रन बनाए, रोहित ने 26 और 26 नॉट आउट, उमंग और उसके साथ फिर हम मिलेंगे। रिकॉर्ड मत करना, बस 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 उसके तरफ देख गए यार, और की टीम जो रनर्स कप है वो
अरे बैलून ले लो, गलत है यार।